नमस्कार दोस्तों, आज 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है। जी दोस्तों, ये जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या पोजीशन है। जी नमस्कार भाई साहब जी, योगेश भाई साहब जी, आज की क्या पोजीशन है जी, मंडी में कितनी गाड़ी है, क्या माहौल है जी आज का। जी देखो जी, आज 46 गाड़ी ताजा आई है। हाँ जी, और 28 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा जी, तो ऊपर नीचे लगा के 90 गाड़ी के आसपास माल है। खुशखबरी बताओ पहले, तो खुशखबरी कोई खुशखबरी ठीक है जी, बाजार चल रहे है नेचुरल। अच्छा जी, जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहे आ रहे हैं वही बाजार चल रहे, ना कोई मंदा है ना कोई तेज है। अच्छा जी, और बिक्री कल के मुकाबला कैसी है जी आज की। कल के मुकाबले बिक्री ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, कल से 5-10 गाड़ी ज्यादा ही बिकनी चाहिए। 5-10 गाड़ी ज्यादा बिकेगी, कोई एक आधा रुपया 54-58 कोई भी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है जी आज अभी। नहीं नहीं, बढ़ा नहीं जी, क्या है थोड़ा सा अराइवल बढ़ गया है। अच्छा जी, 17 गाड़ी कल से 46 गाड़ी ताजा आई है। अच्छा जी, इसमें से 14 गाड़ी महुए की है, 17 पुणे की है, 10 राजस्थान, 5 नासिक। अच्छा जी, मुझे तो भाई साहब आज कहीं काम से बाहर आना पड़ गया था, तो हो सकता है कल तक आऊंगा जी, तो सोचा जी फोन पे ही एक बता दूं जी, किसानों को पता चल जाए। तो आज गाड़ियां कितनी बताई आपने जी भाई साहब। 46 गाड़ी ताजा है जी आज। अच्छा जी, 46 गाड़ी ताजा है जी, तो आज का फिर। हाँ जी, गुजरात के जो काले माल है ये 19 रुपए से लेके 21 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी, और जो माइक्रो माल है, माइक्रो माल की पोजीशन 20 रुपए से लेके 22 रुपए, 22.5 रुपए की पोजीशन है। अच्छा जी, और बात करें पुन्ना के मालों की, तो पुन्ना के माल बिक रहे हैं हमारे यहाँ 21 रुपए से लेके ऊपर में 26-27 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, और ज्यादा माल बिक रहे हैं 23-24। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो सिक्कर के माल जो है वो बिक रहे 13-14। अच्छा जी, 14.5 बढ़िया, और कुछ अमन के माल 15-15.5। अच्छा जी, अच्छा जी, जी। तो पीछे प्रोडक्शन मंडियों में क्या माहौल चल रहा भाई साहब जी। प्रोडक्शन मंडियों में माल कोई ज्यादा नहीं है। हाँ जी, देखो महुआ में आवक आएगी नहीं, 8 दिन के बाद में कितनी आवक आती कल पता चलेगा। 8 दिन के बाद पुराने। अच्छा जी, पीछे बंद था ना जी, 2-3 दिन उन्होंने हड़ताल रख रखी थी। अच्छा जी, आवक आ जाती है, 4-4 लाख कट्टे आ रहे थे पीछे, तो 6-7 दिन लगते हैं बिकने के। अच्छा जी, अच्छा, तो उनकी हड़ताल किस लिए थी जी। वो पहले एक्सपोर्ट को लेके थी पिछले हफ्ते में। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, अभी तो खबरें तो चल रही जी, ये पता ही नहीं चल रहा इनका खबरों का ना, एक्सपोर्ट का क्या हो रहा क्या नहीं, कहाँ से। हाँ जी, आजकल देखो रिपोर्ट अभी जो गवर्नमेंट से है ना नोटिफिकेशन आता है उससे पता चलता है। अच्छा जी, अखबारों में भी रिपोर्ट आ गई थी पर पता नहीं क्या हुआ अब क्या है। अच्छा जी, चलिए जी, तो यानी कुल मिला के माहौल कल वाला ही है जी भाई साहब जी। हाँ जी हाँ जी, सेम कल वाला ही है। अच्छा जी, फिर माल तो पीछे भी कोई ज्यादा नहीं है जी अभी तो। नहीं नहीं, पीछे भी कोई ज्यादा आवक नहीं, घबराहट तो कोई नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, कम की तो कोई उम्मीद नहीं है, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा जब भी जाएगा। कम तो नहीं लग रहा है बाजार, कम का तो नहीं लग रहा है, इन रेटों में तो चलते ही रहेंगे जी। हाँ, इन रेटों में 12 से लेके 14-15 में राजस्थान बिकते रहेंगे कभी। देखो जी, ₹2 तो बाजार रहा ऊपर नीचे होते हैं वो तो, गाड़ियां जैसे आप कह रहे कि वो 4 लाख कट्टे भी आते हैं यहाँ पर एक दिन में आ जाए तो वो 1-2 रुपए डाउन भी हो जाता है ना, है तो ऊपर भी कभी भी जो बाजार चलते हैं 1-2 रुपए नेचुरल होता है, कभी बाजार डाउन कभी तेज कभी डाउन, 2 रुपए की इसमें गिनती गिनती जाती है। अच्छा जी, और कल मेरे पास भाई साहब ने किसी ने ना मेरा नंबर लेके ना वीडियो भेजी, यहाँ सुजालपुर में तबाही मचा दी जी, यहाँ तो मैं अभी तो दिखा नहीं सकता उसको, वो ये ओले इतने पड़े, बर्फ इतनी गिरी यहाँ पर सुजालपुर का जो एरिया है, वो जो प्याज की फसल थी ना वो तोड़ के रख दी, उनकी गेहूं की फसल भी प्याज वाले ने भेजे किसी भाई साहब ने, बहुत ज्यादा। देखो जी, कुछ इलाकों में होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता राणा जी। अच्छा जी, गाँव में अगर ओलावृष्टि हो जाती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसकी 5-7 दिन बाद रिपोर्ट आती है किस एरिया में क्या नुकसान हो। पर जो कल की रिपोर्ट दिखाई ना जी, उन्होंने जो वीडियो भेजी कल की ताजा, जैसे वो तारीख बोल के वीडियो बना रहे थे और दिखा रहे थे जी, पर बाकी वो तो बहुत भयानक थी जी। पर जिसका नुकसान तो हुआ ही है, पर कितना क्या हुआ इसकी व्याख्या है 2-3 दिन। पर जिस भाई साहब का भी नुकसान हो गया वो तो मारा गया जी बेचारा गरीब जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, देखो जी ऊपर वाले के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए जी, धन्यवाद योगेश भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जानकारी देने के लिए जी भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।